नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी नगर निगम के सभागार में आज पूर्व विधायक नारायण पाल ने संविधान की रक्षा को लेकर बैठक की। आपको बता दें, संविधान बचाओ सभा में बड़ी संख्या में गैर राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। इस दौरान संविधान, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं पर तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने संविधान, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के समर्थन में पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। आप भी देखिए पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा। नगर निगम सभागार में पूरे भारत के अंदर एक बहस शुरू करने की लोगों ने कोशिश की है कि संविधान का संशोधन या संविधान को खत्म करने वाली बात। यह अम्बेडकर वाले जी लोग हैं सब, और हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं सब। आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, अंबेडकर साहब का महत्व तो बताएं उन्हें। अंबेडकर साहब ने जो भारत का संविधान लिखा था वो हमारे किसी भी ग्रंथ से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यही इसी थीम को लेकर हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग को हम चाहते हैं कि इसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर लोग मनुवाद का विरोध नहीं करते हैं या मनुवाद को पोषित करने वाले लोग हैं तो वे इनडायरेक्ट में संविधान के खिलाफ बात करते हैं। उनका मंतव्य हमें समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा, और उनकी क्या सोच है उस सोच को भी समझना होगा। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, और हम प्रश्न इस बात का नहीं है कि विरासत में हमें क्या मिला, प्रश्न इस बात का है कि हम विरासत में क्या देंगे। ये कोई यंग लोग आए हैं, हम इसे बताना चाहते हैं कि भारत में और दुनिया में जो कमजोर, शोषित, मजलूम, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जिनके साथ सदियों से दुर्व्यवहार हुआ है, जिनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से जिनका शोषण हुआ है, दुनिया में अगर कोई हमें ध्रुव तारा की तरह तो कोई दिखाई देता है तो वो अंबेडकर साहब हैं। हम उनके अनुयायी हैं, हम अंबेडकरवादी लोग हैं, और जो अंबेडकर साहब ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भारत को चलाने के लिए जो एक संविधान के रूप में व्यवस्था दी है, हम उनका अनुसरण ही नहीं करते हैं। उस संविधान को बचाने के लिए हम कहीं भी और कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।